जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु के भी बहुत से कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं। इसी प्रकार से शिष्य के भी कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होते हैं, उनके लिए आज हम बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्परचितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का स्थान बहुत उच्च है, परंतु कुछ कुछ गुरु और कुछ शिष्य दोनों ने मिलकर के आजकल इस गुरु शिष्य परंपरा को तहस नहस कर दिया। तो आज हम इसी बात के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। तो ओम ब्रह्म रस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमो नमः। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ और उसकी उन्नति की इच्छा करता हुआ सभी धर्मों में कुछ भी गुप्त न रखते हुए उसे विद्या प्रदान करना। एक बार और सुन लीजिए कि गुरु को क्या करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह माने, पहली बात, और उसकी शिष्य की उन्नति की इच्छा करें और उसे हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करें, उससे कुछ भी गुप्त न रखे विद्या के मामले में। दूसरी बात कि गुरु आपत्ति काल के सिवा अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में विघ्न पहुंचाकर उसे अपने किसी कार्य में नहीं लगाए। मतलब गुरु के लिए नियम है कि आपत्ति काल जब हो उसके अलावा अन्य समय में शिष्य का जब अध्ययन करने का समय हो उसमें विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे अपने किसी भी कार्य में नहीं लगाना चाहिए। और फिर आगे बोला जाता है कि गुरु को बहुत विचार करके ही किसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा शिष्य के दोष के कारण गुरु नरक में जा सकता है। इसीलिए गुरु जो है शिष्य का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, बहुत विचार करके ही किसी को शिष्य बनाना चाहिए। और यदि शिष्य के दोष के कारण, अन्यथा गुरु को कई बार नरक की प्राप्ति भी हो जाती है। भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य गुरु को, यजमान गुरु को और चोर राजा को अपना अपना पाप देते हैं। एक बार और समझ लीजिए, ये शास्त्र की बातें हैं। कौन कौन एक दूसरे को पाप देता है? भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को पाप दे देता है। तो जिसके यहां पर भ्रूण हत्या जिसने की हो, जिसने बच्चों को गर्भ के अंदर मरवाया हो, उसके यहां का अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। और जिसने भ्रूण हत्या की है वो भी स्वयं दोषी है, पापी है, उसको कष्ट अवश्य मिलता ही मिलता है जब तक कि वह उस पाप का प्रायश्चित कर्म नहीं कर ले। तो भ्रूण हत्या अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है।
तो भ्रूण हत्या जिसके घर में हुई हो या जिसने सहमति से करवाई हो, जिस स्त्री की मर्जी से हुई हो, जिस पुरुष की मर्जी से हुई हो, उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। और यदि खाते हो तो आप भ्रूण हत्या का पाप का कुछ अंश आप भी लेके जाता है जो मनुष्य उसके यहां का भोजन करता है। व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है वह अपना पाप पति को देती है। व्यभिचारिणी स्त्री यानी चरित्रहीन स्त्री अपने पाप को पति को ट्रांसफर कर देती है, और शिष्य का पाप गुरु को ट्रांसफर होता है, और यजमान का पाप गुरु को ट्रांसफर होता है, और चोर का पाप राजा को ट्रांसफर होता है, क्योंकि चोर चोरी करता है तो उसका दोष राजा के ऊपर लगता है कि तुमने देश काल परिस्थिति को संभालना नहीं आया। और यजमान का पाप भी गुरु को लगता है, इसीलिए बहुत अच्छे से यजमान बनाना चाहिए, देख के यजमान बनाना चाहिए और शिष्य भी देख करके बनाना चाहिए। एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु होता है, अतः स्त्री को पति के सिवा किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और पति जिसको गुरु बना ले, स्त्री का भी स्वतः वही गुरु हो जाता है। यानी एक विवाहिता स्त्री को अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। परंतु बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की छत, कुश की चटाई और कोई पत्थर हो बड़ा तथा नाव गुरु के साथ समान आसन पर बैठ सकता है। मतलब शिष्य को गुरु के आसन पर एक साथ, एक आसन पर, एक चटाई पर, एक बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। परंतु ऐसा कहा गया है कि बैलगाड़ी में एक साथ बैठ सकते हैं, और नदी में जब नाव खेती है तब हम एक साथ बैठ सकते हैं, और महल की छत पर एक साथ बैठ सकते हो, कुश की चटाई पर एक साथ बैठ सकते हो, घोड़ा गाड़ी में एक साथ बैठ सकते हो। फिर आगे लिखा है कि शिष्य को चाहिए कि जिस आसन पर गुरु बैठते हो उस पर न बैठे, और जिस शैया पर मतलब जिस पलंग के ऊपर सोते हो उस पर नहीं सोना चाहिए। बहुत गुण रहस्य की बात है ये। गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य इसका पालन करता है वह तर जाता है, जो पालन नहीं करता है वह पाप का भागी बनता है। गुरु के सामने किसी वस्तु का सहारा लगाकर अथवा पैरों को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, और शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की अपेक्षा अपने अन्न, वस्त्र तथा बाल को हीन रखे, यानी कम रखे। अन्न, वस्त्र तथा बालों को, केश को कम रखे। वह गुरु के सोकर उठने के पहले उठ जाना चाहिए और गुरु के सोने के बाद सोना चाहिए, यह शिष्य का कर्तव्य है। और यदि शिष्य इसका पालन नहीं करता है तो वह दोषी हो जाता है। बहुत गुण रहस्य की बात है, यह सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। अब निर्णय आपको करना है। क्रुद्ध गुरु के मुख पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, यानी जब गुरु क्रोधित हो किसी वजह से कहीं पर भी,
तो उस समय उनके चेहरे पर देखना नहीं ना चाहिए। और शिष्य को चाहिए कि वह परोक्ष में भी गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करें और गुरु की गति, भाषण, चेष्टा आदि की नकल नहीं करना चाहिए। मतलब गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु जिस प्रकार से चलते हो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, गुरु किस तरीके से भाषण देता है उसकी भी नकल नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी ऐसे गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। तो मनुष्य को हमेशा अच्छे गुरु से जो चरित्रवान हो, पहली बात। दूसरी बात, नियम धर्म धर्म का पालन करने वाला हो, एनर्जेटिक पर्सन हो, आलस्य की प्रवृत्ति न हो, ऐसे गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण लेना चाहिए ताकि धन की कमी नहीं होती है। और जो दुष्ट संकल्प वाली निषिद्ध गुरु का शिष्य बनता है उसे महाप्रलय पर्यंत पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। मतलब कई हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, न जाने कितनी योनियों में उसे भटकना पड़ता है। यानी कि दुराचारी गुरु का भी शिष्य नहीं बनना चाहिए, हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये गुरु के बारे में यहां पे बातें लिखी गई है। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्यावादी और भ्रम करने वाले ठग गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सका वह दूसरों को शांति कैसे देगा। तो जो मनुष्य अपने जीवन में अशांत है, किसी भी वजह से अशांत है, संतोष नहीं है, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। तो गुरु के बारे में ये जो बातें लिखी गई है, इनमें से जो भी गुरु और शिष्य इन बातों का पालन करता है वही जीवन में सफल हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि शिष्य बनाओ तो बहुत अच्छे से देख चोक करके बनाना चाहिए, उसकी परीक्षा लेना चाहिए। और इसी प्रकार से गुरु बनाओ तो गुरु बनाने के पहले भी गुरु के साथ में रह करके गुरु के आचार विचार व्यवहार उन सबको चेक करें, देखें, सेवा करें, और फिर आपका मन और दिल कहे तो गुरु बनाना चाहिए। एकदम किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए जब तक कि हम उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से उनके साथ रह करके उनकी हर क्रिया को हम देख न लें, नजदीक से न देख लें, तब तक किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और गुरु को भी चाहिए कि वह ऐसे मनुष्य को शिष्य न बनाए जिसके बारे में पहले से उसे जानकारी न हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। 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 ओम ब्रह्म रस्वते 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 नमः। ओम ऐं ग्लीं सोम। 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 ओम